देखो आज एकदम आसान तरीके से एक गोल डब्बा बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखो एक पुराना पत्थर पड़ा हुआ था अपने पास, उसको सीधा करके एक गोल गुल्लक बना के दिखाऊंगा। बहुत बेहतरीन और बहुत ही आसान कोई बना लेगा जो हथौड़ी चलाने जानेगा, हथौड़ी और कैंची चला लेगा वो बिल्कुल आसानी से बना लेगा। कोई इसमें कारीगरी नहीं है, बस हथौड़ी चलाने आना चाहिए भाई। ठीक है देखो पुराना पत्थर कोई भी टीन का टुकड़ा उससे बन जाएगा। देखो मैं 16 इंच का बना रहा हूँ और आपको जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से बनाओ, बड़ा छोटा। ये 16 में लंबा काटा, देखो मेजरमेंट भी आनी चाहिए कि इंची किसको बोलते हैं। 16 इंच काट लिया, दोनों साइड लिख कर और लंबी लकीर मार दो। ठीक है देखो ये है, एक तरफ तो 16 ले लिया लंबा और दूसरी तरफ ये ले लिया 6 इंच 2 सूत। अपने हिसाब से ऊंचा कर सकते हो आप, अपने हिसाब से कर ले सकते हो। ठीक है उसको लंबी लकीर खींच दो, ये 6 इंच 2 सूत मिल गया हूँ मैं, एक तरफ 16 और दूसरी तरफ 6 इंच 2 सूत। उसको देखो इस तरह का। ठीक है इसको अभी औजार के बारे में और सारे वीडियो में बनाऊंगा जिसमें औजार क्या क्या लगता है वो औजार के बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है इस पे कैंची जो है, ये पत्थर काटने वाली जो कैंची आती है और जो इस पे जो जो औजार लगता है, इस पे सारे औजारों के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक दो दिन के बाद डालूंगा। ठीक है देखो इसका चारों कोना पहले काट देना, अगर बड़ा ड्राम भी बनता है तो ड्राम बनाने के लिए भी चारों कोना काटना पड़ता है। ठीक है ये छोटे से समझ में आ जाए कि बड़ा कैसा बनता है। ठीक है चारों कोना इस तरह काट लेना, उसके बाद देखो ये एक हमारा औजार है मोड़ने वाला, लकड़ी हथौड़ी की मदद से इससे मोड़ा जाता है। देखो इस तरह भी धीरे करके मैं बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा जल्दी भी करना पड़ेगा, लेकिन ये समझ लो कि देखो इस तरह एक मोड़ देना है एक साइड, दूसरी साइड मोड़ना है इस तरह, अलग अलग साइड होना चाहिए दूसरी साइड। देखो एकदम बिल्कुल धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, एक बच्चा भी समझ जाएगा अभी, देख लो। ठीक है इस तरह देखो थोड़ा थोड़ा हल्का मार देना और अब इसको गोल करना है। देखो टाइट गोल करने के लिए इसमें निशान दे के गोल करना पड़ेगा, हालांकि ये सीधा भी गोल हो सकता है लेकिन इसमें निशान दे के गोल करोगे ये बिल्कुल टाइट गोल होगा, ये बिल्कुल खुलेगा नहीं। देखो एक बस इस तरह मारते जाना है, बिल्कुल इस तरह मारते जाना है। अगर चदरे पे चद्दर पे कुछ निशान भी हो, वो थोड़ा बेंड हो, इधर उधर ख़राब हो, तो वो इससे सब खत्म हो जाएगा। बस मारते जाना है इस तरह। ठीक है और दूसरी तरफ फिर उसी तरह जिस तरह पहली तरफ मारा था उसी तरह दूसरी तरफ। और देखो ये मोड़ने का जो जुगाड़ है इसके बारे में मैं इसके बाद जो वीडियो डालूंगा उस पर मैं बता दूंगा सारे औजार के बारे में, 2 दिन के बाद मैं बताऊंगा। देखो इस तरह मोड़ देना और अब देखो इस तरह पूरा जितने जितना जगह बचा है सब जगह इस तरह निशान मारना होगा, तब पूरा गोल हो जाएगा, एकदम गोल बिल्कुल गोल हो जाएगा। देखो इस तरह मार देना, अभी मैं स्पीड करके थोड़ा बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो जॉइंट जहाँ से था जॉइंट को इस तरह मिला लेना है, मिला लेने के बाद देखो इस तरह जॉइंट को मिला लेना, जो जॉइंट पहले मोड़ा था वो दोनों तरफ मुड़ जाने के बाद ऐसा हो जाएगा। बस इसको मिला के पीट देना तो ये बिल्कुल जुड़ जाएगा, और सेफ्टी के लिए 2 रिपीट मार देना। रिपीट निकालने का औजार ऐसा होता है, इसके बारे में भी बता दूंगा अगली वीडियो में डाल दूंगा औजार के बारे में। ठीक है देखो इस तरह रिपीट नट से भी निकल जाता है, रिपीट उससे भी निकाल सकते हो आप निशान दे करके। अब इसका कोर गिराना है क्योंकि इस पे जो पेंदी लगेगी और ऊपर का ढक्कन लगेगा, इसलिए ये कोर गिराना पड़ता है। अभी आप पूरा वीडियो जब देखोगे तो पूरा समझ जाओगे किस तरह होता है। देखो इस तरह ये कोर गिरा देना है, एकदम आसानी से गिर जाता है, बस हथौड़ी चलाने का बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होगा बहुत अच्छी तरह से गिर जाएगा, ये दोनों तरफ इसी तरह गिरा देना। ये बंद चुक्का
बंद गुल्लक बना रहा हूँ, बंद डब्बा, बिल्कुल बंद रहेगा, ये खुलेगा नहीं, पैसे भर जाने के बाद खुलेगा। और ढक्कन वाला कैसा बनता है वो भी मैं बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे, जो वीडियो डालूंगा आप तक पहुंच जाएगा वो वीडियो, ठीक है। तो इस तरह ये कोर को गिरा देना। अब मैं बताऊंगा इसको ढक्कन, देखो इसको नाप लेना, ये 5 इंच या 2 सूता आया तो 2 सूता और बढ़ा लेना, देखो कितना आया ये, ठीक है। अब देखो जितना भी आएगा उससे 2 सूता बढ़ा लेना, क्योंकि मोड़ने के लिए भी जगह चाहिए तो उसको बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। समझ लेना, वीडियो को बार बार देख करके समझ जाना, ठीक है। देखो ये कंपास बन रहा है, कंपास, कंपास बन रहा है, देखो नाप लिया उसको आधा करके। अब जो आधा किया था, आधा का ये तो पूरा अब डबल हो जाएगा घूम जाने के बाद, मतलब पूरा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह नाप लेना, देखो ये देखो अब तो समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिवर्स करके देख लेना तो समझ में आ जाएगा किस तरह कर। देखो इस तरह काट लेना, पत्रे काटने वाली जो कैंची आती है उससे बहुत आसानी से कट जाता है, और अगर घर वाली कैंची से ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये चदरा जो है ये थोड़ा सा मोटा है और सब चदरों से, तो इसलिए देखो इस तरह काट के निकाल देना। ये जो शीट है ये है 4-5 का सीट, मतलब 0.45 mm का सीट है ये, ठीक है। देखो इस तरह उसको दोनों एक दूसरे को मिला करके बिल्कुल बराबर नाप करके 2 निकालना है, 2 निकाल दोगे तो ये हो गया आपका 2, ठीक है। अब देखो देख लेना नाप के थोड़ा बड़ा हो रहा है कि नहीं, उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब देखो क्या करना है कि वो उसका कोरी इस तरह गिराना है, ये पेंदी है, पेंदी मतलब जो नीचे का पोजीशन होगा उस पे लगेगा, ये इस तरह कोर गिरा देना है, ठीक है। धीरे धीरे बैलेंस के साथ मारना है, इसमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, ये वीडियो तो तेज़ है, आराम से करो बिल्कुल हो जाएगा। देखो इस तरह, और देखो एक बार में कोई भी काम सही नहीं होता है, तो ऐसा मत समझना कि आजकल तुरंत हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, कमेंट पे पूछ सकते हो आप, ठीक है। गलती कर कर के लोग सीखते हैं। देखो इस तरह रख कर, और उसको बस धीरे 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 हाथ से बैलेंस के साथ चारों तरफ उसको इस तरह पीट देना है कि बिल्कुल लॉक हो जाए, बिल्कुल लॉक हो जाएगा वो एकदम, ठीक है। फिर खोले खुलेगा नहीं वो, फिर खोलने के लिए औजार की ज़रूरत पड़ेगी, हाथों से खुल नहीं सकता ये, ठीक है। देखो इस तरह पूरा सील बंद हो जाएगा, बिल्कुल सील पैक हो जाएगा और खुलेगा नहीं वो। ये देखो बिल्कुल ये लॉक हो गया। अब ये हथौड़ी खोल करके उस पर, हथौड़ी पे जो होल है, ये आसानी के लिए आप सभी को देखो पैसे डालने का जगह बनाना पड़ता है, छीनी से, छीनी मिल जाती है मार्केट में बहुत आसानी से, ठीक है। जो काम करते होंगे उनके पास तो होगा ये सब औजार, लेकिन काफ़ी सारे औजार जो है वो बनवाने पड़ते हैं, वो सब जगह मिलते नहीं हैं, तो लोहार के पास बनवाने पड़ते। देखो इस तरह ये ऊपर का पोजीशन है, ठीक है। देखो इस तरह बिल्कुल लॉक कर देने का है, लॉक हो गया। देखो बन जाने के बाद बहुत खूबसूरत दिखता है और बहुत ही मजबूत होता है। जो मिट्टी का आता है वो भी तो आजकल लगभग 70-80-100 रुपए में आता है, और ये भी उतने में बन जाएगा, बिल्कुल उससे भी कम पड़ेगा शायद, ठीक है। जो टीन जो टुकड़े होते हैं उससे बना सकते हो घर में स्क्वायर या गोल। देखो इस तरह पूरा तैयार हो गया, एकदम लॉक हो गया, जब खुलेगा नहीं, खुलने का तरीका भी मैं बता दूंगा। पैसा देखो, पैसा चेक कर लेना, इस तरह डाल के देख लेना भाई,